आज दोस्तों हम इंटीजर पढ़ रहे हैं। पिछले इंटीजर देखे, बी नो ऑल नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर को क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। ऑल नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर, सभी को क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। से यहाँ उदाहरण देख रहे होंगे, माइनस पर ये नेगेटिव इंटीजर, फिर जीरो हुआ, फिर पॉजिटिव, ये सारे इंटीजर को काउंट, नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर को क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। तो इसमें नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इसको पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, -1, -2, -3, -4 इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर। और जीरो इज सिंपली एन इंटीजर, इसको ना ही पॉजिटिव बोलते हैं ना ही नेगेटिव बोलते हैं। अगला जो देख रहे हैं, एडिशन ऑफ इंटीजर। एडिशन ऑफ इंटीजर आर गवर्न बाय द फॉलोइंग रूल्स, व्हेन वी ऐड टू इंटीजर ऑफ द सेम साइन द आंसर आल्सो टेक द सेम साइन। यानी कहने का मतलब, जब हम दो इंटीजर को जब ऐड करते हैं जो सेम साइन का, यानी प्लस है तो सेम साइन लेगा। तो देखिए यहाँ सेम साइन का तो सेम साइन नहीं लेगा। व्हेन वी ऐड टू इंटीजर ऑफ अपोजिट साइन, वी सब्सट्रैक्ट देयर न्यूमेरिकल वैल्यू रिगार्डलेस देर साइन एंड गिव द साइन ऑफ द इंटीजर विद द ग्रेटेस्ट वैल्यू। कहने का सेंस है कि जब हम दो पॉजिट इंटीजर को या तो सब्सट्रैक्ट करते हैं, एडिशन करते हैं, तो वहाँ पर ऐड करने के बाद जो हाईएस्ट, जो बड़ा जो साइन वाला होगा, उसी का वैल्यू यहाँ पर लिखाएगा। जैसे +6 वाला बड़ा है, -4 वाला छोटा इंटीजर साइन में, तो ये इसका वैल्यू प्लस वाला को ही लिखाएगा। यही सेंस दे रहा है। इसमें देखिए माइनस वाला साइन, माइनस वाला का वैल्यू ज़्यादा है, प्लस वाला का कम है, इसलिए माइनस लिखा है, -4। अगला एब्सोल्यूट वैल्यू। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन। मतलब इसमें बिना साइन को ही, इसको मोड भी बोलते हैं अपर क्लास में। तो कह रहा है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन, साइन को छोड़कर। अगला प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर। पहला क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी ए एंड बी, यानी कोई भी दो इंटीजर है तो यदि ए प्लस बी करेंगे तो ए भी इंटीजर आ जाएगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी बताता है कि कोई दो इंटीजर है उसको ऐड करें तो ये जो इंटीजर मिलेगा वह भी इंटीजर होगा। जैसे 4 + -6, इसको दोनों को ऐड किए तो -2, ये भी एक इंटीजर है। यानी सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर, ये फॉलो करता है। अगला जो है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, यानी इफ ए एंड बी आर टू एन इंटीजर देन ए प्लस बी बराबर बी प्लस है। करने का सेंस, ए यहाँ पर 3 है, बी -7 है, तो बी बराबर इसको रखिए, ए बराबर, यानी दोनों में -4 आता है, यानी दोनों का वैल्यू सेम आता है। सेम इसी तरह देखिए यहाँ पर, यानी ये कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है। यही बस अगला एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ए बी एन सी आर 3 इंटीजर देन ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, इसको भी फॉलो करना। जैसे ए बी सी है तो ए -6 है, बी -7 है, सी 8 है। तो देखिए इसको फॉलो करने के लिए ए 6 + फिर इसको देखिए ए बी, ये दोनों एक ब्रैकेट में हुआ, ए बी और सी हुआ, फिर यहाँ पर क्या हुआ, ये अलग हुआ, फिर बी सी, यानी दोनों में एसोसिएटिव लॉ एडिशन को भी फॉलो करता है। यहाँ ए प्लस बी हुआ, ये सी हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, ए हुआ, फिर बी प्लस सी, इससे भी दोनों सेंस में 6 ही आता है। यानी एडिटिव ऑफ इंटीजर इस एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। अगला एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इंटीजर। फॉर इंटीजर ए बी हैव टू, ए प्लस 0 बराबर 0 प्लस ए बराबर ए, यानी जब इसको ऐसे लिखें तो ऐसे आया। यानी कहने का मतलब, 0 इज एन आइडेंटिटी इंटीजर, मतलब इसमें 0 ऐड करते हैं तो इसमें कोई चेंज नहीं आता, तो इसको ए कहीं लिखते हैं। अगला एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। फॉर एनी इंटीजर ए बी हैव ए प्लस माइनस ए बराबर माइनस ए प्लस ए बराबर 0 हो जाएगा। यानी 8 प्लस है और माइनस साइन है, मतलब जितना प्लस का साइन उतना ही माइनस का है, या जितना माइनस का उतना प्लस का, तो दोनों 0 को बराबर होगा।
नहीं, यानी एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज माइनस ए, और एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए इज ए, यानी इस दोनों का एक रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल नहीं होगा सॉरी, इनवर्स मतलब निगेटिव साइन लेगा, सॉरी निगेटिव साइन लेगा, यहाँ पर देख लीजिए, यानी एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स भी फॉलो करता। अगला क्या है, सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, सब्सट्रैक्शन इज एन एडिशन विथ निगेटिव साइन फॉर एन इंटीजर ए एंड बी, बी है ए एंड बी इंटीजर है ठीक है, तो ए प्लस है बी माइनस बी है, तो यहाँ प्लस है माइनस बी हो जाएगा। देखिए ए में क्या है, सब्सट्रैक्ट करना किससे, माइनस वन से थ्री को, तो माइनस वन और माइनस थ्री बराबर फोर, इससे टू से सब्सट्रैक्ट करना यानी टू माइनस सेवन बराबर माइनस फाइव, सिक्स से सब्सट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन दिया, माइनस पहले से था, यानी सब्सट्रैक्शन इज एडिशन विथ ए निगेटिव साइन, सब्सट्रैक्शन क्या एडिशन ए निगेटिव साइन का कहने का, जैसे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यही बता रहा। अगला प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन, इफ ए एंड बी बी एनी इंटीजर द ए माइनस बी इज एन ऑल्सो इंटीजर, जैसे देखिए पाँच और तीन को इंटीजर है तो इसको सब्सट्रैक्ट करेगा तो ए भी इंटीजर है, ए इसको करेगा तो ए भी इंटीजर, यानी सब्सट्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर, ये फॉलो करता है सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन में पहला था जो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी था। अगला है सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव, इफ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर देन ए माइनस बी, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, जैसे देखिए यहाँ पर ए चार था बी माइनस छ था, फिर ए प्लस बी लिखे हैं फिर माइनस छ किए तो माइनस टू आएगा, फिर ए यहाँ पर छ हुआ बी यहाँ पर इतना, तो ये क्या करा कि एसोसिएटिव लॉ को यानी मतलब कम्यूटेटिव लॉ को सब्सट्रैक्शन फॉलो नहीं करता, एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं उदाहरण दिया। अगला है सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव, इफ ए एंड ए बी सी आर इंटीजर देन ए माइनस बी माइनस सी इज नॉट ऑलवेज ए माइनस बी, फिर माइनस सी नॉट ऑलवेज ए माइनस बी माइनस ए, तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल सब समझ सकते हैं, ए यहाँ पर ये है बी ये है सी ये, इसको सॉल्व किए फिर ए को अलग किए तो ये दोनों बराबर नहीं, यानी सब्सट्रैक्शन ना तो एसोसिएटिव है ना ही कम्यूटेटिव है, लेकिन एडिशन दोनों है तीनों है। उदाहरण देखिए सम आपको पूछा तो एंड मतलब जोड़ होता है तो प्लस कर दिया यहाँ पर, फिर इसको देखिए इसका सम पूछा है तो एंड है तो जोड़ दिया, सब्सट्रैक्ट कर रहा है फ्राम मतलब इससे तो इससे घटाइए माइनस कीजिए, फ्राम मतलब इससे माइनस 49 से, तो इस तरह एडिटिव इनवर्स पूछ रहा है, तो एडिटिव इनवर्स जानते हैं कि नेगेटिव कर दीजिएगा प्लस का माइनस 76 का माइनस 76 हो जाएगा एडिटिव इनवर्स, और माइनस 99 का कितना हो जाएगा 99, तो ये समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए।